Hi, I'll be today teaching class 12 topic through the eyes of the travelers. Basically, as we know, travelers were also a very important source of information. कैसे अपनी करंट टाइम्स में लोग इंटरेक्ट करते थे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था और क्या लोगों के सिचुएशंस थे, तो वही हम लोग इस चैप्टर के थ्रू देखेंगे। अब जो बुक के हिसाब से दे रखा है फॉर्मेट, उसको थोड़ा सा चेंज करके मैंने जो जितने जो ट्रैवलर्स हैं उनके एग्जैक्टली अकाउंट्स एंड जिस तरीके से जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन थी वो सब मैंने साथ मैंशन किया है। सो स्टार्टिंग विद अल बिरूनी एंड द किताबुल हिंद। बेसिकली 1973 में वो लोग बॉर्न हुए थे ख्वारज़्म में। ख्वारज़्म प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान का पार्ट है। 1017 में जो सुल्तान महमूद थे ऑफ गज़नवीद एम्पायर, उन्होंने यहाँ पहले ख्वारज़्म को इन्वेड किया था। एंड उस टाइम में वो जितने जो वहाँ के पोएट्स थे, जो जितने लर्नड लोग थे, जो मतलब जो पढ़ने में अच्छे थे या फिर जो लेखक, उस टाइप के लोगों को वो ले गए थे अपने जो कैपिटल था उनके एम्पायर का, गज़नी। उनमें से एक ऑब्वियसली अल-बिरूनी भी थे, जो मतलब काफ़ी लैंग्वेज उन्हें आती थी, जैसे अरेबिक, इवन संस्कृत, उस टाइप की चीज़ें। इवन तो उनको ग्रीक नहीं आती थी, पर उन्होंने जो ग्रीक फिलॉसफी थी वो सब उनके ट्रांसलेशन उन्होंने अरब में पढ़े थे, तो उनको वैसा भी नॉलेज था। तो उन्होंने जब वो गज़नी गए थे तो उस टाइम में उनको पहली बार तब उन्होंने इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। तो जो उस टाइम में जो पंजाब जो उस टाइम में गज़नवीद एम्पायर ने पंजाब में इन्वेजन किया था, तो वो भी जो पार्ट हो गया था गज़नवीद एम्पायर का, तो इनका अल-बिरूनी का इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा लोकल लोगों से होने लगा, वहाँ पर उनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। तो उन्होंने संस्कृत लर्न की एंड उन्होंने फिर इवेंचुअली ट्रैवल करना शुरू किया। अब जो उन्होंने किताबुल हिंद लिखी थी, जो उनकी बुक थी बेसिकली, वो मेनली अरेबिक में लिखी गई थी एंड वो ऑल्सो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, बट वो काफ़ी ह्यूज बुक है, काफ़ी उसमें ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें करीबन 80 चैप्टर्स हैं। तो उनका इसमें जो उन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने वहाँ ट्रैवल करके जो इंडिया जब वो गए थे उस टाइम में जो उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, जो उनके एक्सपीरियंस थे, वो सब उन्होंने लिखे हैं। एज वी नो कि जो अल-बिरूनी थे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर चुके थे, मतलब वो एशिया में भी और सारी जगह वहाँ भी उन्होंने ट्रैवल की थी एंड इवेंचुअली इंडिया में भी उन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया था। तो वो एक सर्टन तरीके से अपना जो जैसे लिखने का एक सर्टन स्टाइल था कि जो चैप्टर्स में एक सर्टन पैटर्न फॉलो किया करते थे। तो इट यूज़ टू स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन, उसको जो संस्कृत में जिनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती थी उसके थ्रू वो एक्सप्लेन करते थे एंड फिर इवेंचुअली वो जो कंपैरिजन, जो उनको जो और कल्चर्स के बारे में जितना पता था उन चीज़ों से काफ़ी कंपैरिजन ड्रॉ करते थे। अब वो उस टाइम में जो और तरीके से जो टेक्सचुअल जिस तरीके से जो मटेरियल होता था उस टाइम के, वो फॉर्मेट को उतना अप्रूव नहीं करते थे, तो उन्होंने ये एफर्ट कोशिश मतलब उनके एफर्ट्स मेनली थे कि जिससे वो इम्प्रूव कर सके जो राइटिंग पैटर्न्स पे। अब मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अब उनको ऑब्वियसली अब वो सिंस वो दूसरी जगह में गए हैं, जब इंडिया उनके लिए बहुत डिफरेंट है, इट्स अ एलियन वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, तो उनको ऑब्वियसली एग्जैक्टली सब चीज़ें मतलब समझ में नहीं आई थी एंड काफ़ी सारे उन्होंने प्रॉब्लम्स भी फेस किए थे। एंड जो मेनली उन्होंने तीन बैरियर्स जो रिकोगनाइज किए थे, जो बाधाएँ थी उनके लिए जिससे उन्हें प्रॉब्लम होती एक्सप्लेन समझने में और एक्सप्लेन करने में, तो वो मेनली था, एक तो था लैंग्वेज। अब जो संस्कृत था वो अरेबिक एंड पर्शियन में से काफ़ी डिफरेंट था, तो उनको जो अपना जो संस्कृत में जो उन्होंने आइडिया समझे थे, जो कॉन्सेप्ट थे, वो अरेबिक एंड पर्शियन वाले तरीके से उनको एक्सप्लेन करना वो थोड़ा टफ था। ऑल्सो जो डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली काफ़ी डाइवर्सिटी थी एंड देवर बिल्कुल नया सिस्टम था, हिंदुइज्म था एंड और काफ़ी चीज़ें थी, तो उस टाइम की काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रैक्टिसेस एंड जो यहाँ पे जो लोग लो फॉलो करते थे वो सब बहुत डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू उनके जो होमलैंड से। ऑल्सो सेल्फ अब्जॉर्प्शन, कल्चरल इंसुलैरिटी, बेसिकली जो लोगों का अपने में ही रहना, मतलब एंड कल्चर इंसुलैरिटी इन द सेंस कि मतलब थोड़ा इंटरेक्ट और लोगों से, मतलब और कल्चर से उतना नहीं हो पाना एंड ज़्यादा अडॉप्ट नहीं करना, मतलब अपने में ही रहना, वो थोड़ा उनके लिए वहाँ जो लोकल लोगों का था वो ऑब्वियसली अल-बिरूनी के लिए थोड़ा इशू था कि वो उसको प्रॉपर्ली ओवरकम नहीं कर पाए थे। एंड एज वी नो कि सिंस वो ऑब्वियसली लोगों से उतना इंटरेक्ट नहीं किया, तो उनका जितना ज़्यादातर नॉलेज था वो जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट थे, जैसे जो पुराण थे या फिर जो वैदिक टेक्स्ट थे, भगवत गीता, उस टाइप की चीज़ों से उन्होंने ज़्यादा जो ब्राह्मणिक टेस्ट थे वहाँ से उन्होंने अपना जो नॉलेज है सारा वहाँ से ड्रॉ किया था। उन्होंने जैसे जो रियलाइज़ किया जैसे कुछ चीज़ें, जैसे जो कास्ट सिस्टम है जो इंडिया में है, जो ब्राह्मणिकल ऑब्वियसली उन लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, तो वैसी टाइप का उन्होंने रियलाइज़ किया। पर्शिया में भी इसी टाइप का सिस्टम एग्जिस्ट करता था, जैसे जो लोग वहाँ पर नाइट्स
मॉन्क्स या फिर जो फिजिशियंस साइंटिस्ट वो अलग कैटेगरी, या फिर जैसे जो पीजेंस आर्टिसंस वो लोग अलग होते थे. तो उसी तरीके से मतलब इट्स नॉट कि जो इंडिया का है जो सिस्टम कास्ट सिस्टम वो बहुत ही यूनिक है, बहुत डिफरेंट है. उस टाइप का कंपैरिजन उन्होंने पर्शिया में भी फाइंड आउट किया था. एंड उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया था कि जो उनकी लैंग्वेज मतलब जो उनका जो रिलीजन है इस्लाम, उसमें भी मतलब उसके हिसाब से उसमें ऐसे डिविजन्स नहीं है, सोशल हायरार्की नहीं है कि लोग सब इक्वल कंसिडर किए जाते हैं. और ओवरऑल वो वैसे उनको प्रॉब्लम नहीं थी जो ब्राह्मण ने जो अपना सिस्टम बनाया था कास्ट का, बट उनको उस कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम थी ऑफ सोशल पोल्यूशन कि आप किसी और से मतलब कुछ लोग जो इम्प्योर होते हैं, क्योंकि उनका बिलीफ था जो नेचुरल वर्ल्ड में जो चीज़ इम्प्योर होती है तो वो कोशिश करती हैं कि वो प्योर हो जाए, दे स्ट्राइव टू बी प्योर. तो उनको लगा कि जो ये सोशल पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इट्स अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर. तो वो सोशल पोल्यूशन से एग्री नहीं करते थे, बट वो पोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था नोशन था उससे एग्री नहीं करते थे, बट उनको वैसे ओवरऑल कास्ट सिस्टम से ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ऑल्सो सिंस इनका मेनली जो जितना नॉलेज था वो सारा सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू से डिराइव था, मतलब उनको वैसे उतना एक्सपीरियंस मतलब पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उतना नहीं था. तो उन्हें उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें जो मेंशन थी थ्योरीज जो मेंशन थी जो जिस कास्ट सिस्टम का किसी भी और चीज़ का, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड थी. इन रियल लाइफ थोड़े रिलैक्सेशन होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल जो अंत्यज जो होते थे वो लोग जो बेसिकली हु आर आउट ऑफ द सिस्टम, वो सिस्टम के पार्ट नहीं है, दे वर बॉर्न आउटसाइड द सिस्टम. तो अकॉर्डिंग जो सिस्टम के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से उनको सिर्फ मेनली से जो जो जमींदार थे या पीजेंट्स थे उनके अंडर बहुत जब उनको बहुत ही कम चीप लेबर चाहिए था उसके लिए वो मेनली यूजफुल होने चाहिए थे. बट इन रियल लाइफ मतलब इंस्टेड ऑफ नॉट बींग मतलब वो इस सब चीज़ें करते थे एंड वाइल दे वर सोशली ऑप्रेस्ड, बट ये भी था कि ऐसा नहीं था कि उनको वो कम्प्लीटली पूरे सोशल लूप या पूरे सिस्टम से ही कम्प्लीटली बाहर है जो हमें टेक्स्ट में सजेस्ट किया गया था. दे वर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डिस्पाइट इवन दो दे वर सोशली ऑप्रेस्ड एंड उनको बहुत पैसा नहीं मिलता था. इब्न बतूता एंड रेला, बेसिकली इब्न बतूता ने जो अपनी बुक थी उनकी रेला, उनकी जो ट्रैवल्स एंड उससे रिलेटेड था, तो उसमें उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंसेस थे ऑफ द 14th सेंचुरी के जो कल्चर्स एंड जितने जो लोग थे एंड जो रिलीजियस थॉट्स थे उन सब का जो मिक्स था वो सब उन्होंने उसमें इंक्लूड किया था. एंड वो मेनली अरेबिक में लिखी गई थी. वो बेसिकली देवर ही वॉज बॉर्न इन टैंगियर, जो उनकी जो जिस फैमिली में बॉर्न हुए थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा बहुत एजुकेटेड थे एंड एज अ रिजल्ट वो भी बहुत एजुकेटेड थे. तो एंड देवर एक्सपर्ट्स इन शारिया, शारिया इज़ बेसिकली द इस्लामिक लॉ, उसमें उन लोगों की काफ़ी स्पेशलाइजेशन थी. तो बाय 1333 वो सिंध पहुंच गए. उन्होंने इस रास्ते में वो काफ़ी सिटीज़ जैसे मुल्तान उनके थ्रू भी वो पास थ्रू किए थे एंड उन्होंने ओवरऑल एशिया में एंड उन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया था. जब वो सिंध पहुँचे तो बेसिकली वो जो उस टाइम जो तुगलक रूलर्स थे उनसे बहुत इंस्पायर्ड थे एंड उनको उनके एडमिरेशन में ही वो पूरा वहाँ तक ट्रैवल किए थे. उसके बाद वो जो जब वो वहाँ पहुँचे तो उनसे जो एम्प्रेस थे वो तुगलक एम्प्रेस वो काफ़ी इम्प्रेस हुए एंड उन्होंने उन्हें काजी विच इज़ अ जज वो अपॉइंट किया. इवेंचुअली जब वो कुछ प्रॉब्लम्स होने के बाद वो जब ही नहीं फेल आउट ऑफ फेवर ऑफ द किंग तो वो प्रिजन में डाल दिए गए थे एंड इवेंचुअली व्हेन ही वाज क्लियर्ड आउट 1342 में वो एज एन एनवॉय टू द मंगोल एम्पायर, मतलब एज अ मैसेंजर या फिर जो थोड़ा एम्बेसडर उस तरीके से उनको मंगोल एम्पायर में जो चाइना में था उस टाइम बेस्ड वहाँ भेजा गया था. अब वाइल गोइंग एज एन एनवॉय उस टाइम में वो जो मालाबार कोस्ट है इंडिया में उस तरफ गए थे एंड उसके बाद फिर वो श्रीलंका गए थे, सॉरी मालदीव्स गए थे. उसके बाद वो श्रीलंका गए थे जिसके बाद वो फिर से मालाबार रिटर्न होके आए एंड फिर उसके फिर से मालदीव्स से वो सुमात्रा की तरफ गए जो अफ्रीका में है वहाँ के पोर्ट में गए थे एंड उसी बीच में वो बंगाल एंड असम के थ्रू भी वो पास हुए थे. इस बीच में उन्होंने एज वी नो कि जैसे मैंने मेंशन किया कि बहुत ज़्यादा इंडिया ट्रैवल किया था एंड सराउंडिंग कंट्रीज जैसे मालदीव एंड सुमात्रा एंड इवेंचुअली सुमात्रा से वो फिर चाइना गए थे जहाँ पर वो जो जेटन जो आजकल प्रेजेंट है क्वांगसो वहाँ के पोर्ट में लैंड हुए थे एंड वहाँ से वो बीजिंग गए थे. उन्हें बीजिंग में बहुत अच्छा नहीं लगा एंड इवेंचुअली बाय 1347 वो अपने होम जो उनका तांगियर में था वहाँ लौट गए. उन्होंने इस बीच में काफ़ी चीज़ें नोटिस की जैसे ट्रैवलिंग के बारे में कि जैसे रोड्स बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एंड क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा थे. जैसे उन्होंने मेंशन किया था कि दिल्ली और मुल्तान एंड से 40 दिन लगते हैं तो जैसे सिंध से 50 दिन लगते हैं या फिर दौलताबाद से 40 दिन लगते हैं तो कभी ग्वालियर से 10 दिन लगते हैं.
तो इस टाइप के उनके यही ऑब्जर्वेशन थे. एंड ऑल्सो सिंस रोड्स में ये भी होता था कि काफ़ी बार रोड्स सिंस लंबे होते तो बहुत बार रिसोर्सेज नहीं होते एंड काफ़ी डेंजरस भी होता था, जिससे वो काफ़ी बार अकेले ट्रैवल करना नहीं प्रेफर करते थे. वो प्रेफर करते थे कि लोग कैरावेंस में या फिर उनके साथ कोई कंपेनियंस हो ट्रैवल करते समय. पर तब भी बहुत बार जैसे रॉबर्स का अटैक होता था, इवन काफ़ी बार वो भी उनको उनके ऊपर भी अटैक किया गया था, एंड इवन ही वॉज वाउंडेड. एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर, बेसिकली जो एक्साइटमेंट जो फील होती है जिस चीज़ को हम नहीं जानते उसको जान के. एक मैं बताऊँ था कि केस में जैसे उन्होंने यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी थी जो उनके जो रीडर्स थे उनके ऑडियंस थी उनको आइडिया नहीं था, एंड इवन उन्हें खुद भी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था. जैसे उन्होंने जैसे एग्जाम्पल है जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने जो स्पेसिफिकली जो टू प्लांट प्रोड्यूस जो उनके उनके लैंड्स में नहीं थे, जैसे जो कोकोनट थे एंड पान थे, उनको उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिकली डिस्क्राइब किया विविडली कि इस तरीके से होता है, वो बीटल लीव्स होते हैं वो यहाँ से पाए जाते हैं. या फिर उन्होंने जो कोकोनट ट्री को पूरा एक्सप्लेन किया कि बिल्कुल एक डिफरेंट ही चीज़ है, उसका शेप अलग होता है. तो मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके जो चीज़ें उनको नहीं पता थी उन सब चीज़ों को उन्होंने स्पेसिफिकली अपने जो नोट्स थे उनमें नोट डाउन किया था. उन्होंने ऑल्सो ये भी किया था कि जो उन्होंने जब रियलाइज़ किया था कि जो 14th सेंचुरी में जो इंडिया था वो उन लोगों के पास जिनके पास स्किल्स था, जिनके पास एम्बिशन था, ड्राइव था कि वो कुछ कर सके, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी. एंड उन्होंने ये रिकग्नाइज़ किया था जैसे जो सिटीज़ होते थे वो काफ़ी क्राउडेड होते थे, पॉपुलेटेड होते थे, बहुत सारे लोग रहते थे, एंड वहाँ पे मतलब हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती थी. एंड जो बाज़ार्स थे जो बहुत कलरफुल थे तो वो काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर थे उन सिटीज़ के. एंड उनके हिसाब से जो दिल्ली था इट वाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलस सिटी, ऑल्दो दौलताबाद भी ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा एंड पॉपुलेटेड था. बाज़ार्स के मेनली स्पेसिफिकली जो फीचर्स होते थे वो होते थे जैसे एक टेम्पल होगा या एक मॉस्क होगा, एंड बहुत बार स्पेसेस होते थे जहाँ पे जो सिंगर्स डांसर्स वो सब परफॉर्म कर सकते थे. तो बहुत ज़्यादा एक कल्चरल इन्वायरमेंट था. एंड जो इब्न बतूता बेसिकली उनको एक एक्सपीरियंस करने का मौका मिला जो एक बहुत कॉस्मोपोलिटन इन्वायरमेंट जहाँ लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं एंड मतलब अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स हैं, उनका उनको इंट्रैक्शन एक्सपीरियंस करने को मिला था. ऑल्सो उन्होंने इवन तो बहुत उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था, बट हिस्टोरियंस ने ये चीज़ को डिराइव की कि काफ़ी बार जो टैक्सेस रेवेन्यूज वो काफ़ी बार एग्रीकल्चर के थ्रू मतलब वहाँ उसके थ्रू बेसिकली बनता था. जैसे इब्न बतूता ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि सिंस यहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल था इंडिया का, तो यहाँ पे टू क्रॉप्स अ ईयर उगाए जाते थे. तो इससे मतलब हिस्टोरियंस से गेस किया कि सिंस इतना रेवेन्यू जनरेट हो पाता था कि वो जो स्टेट को भी दिया जाए. ऑल्सो उस टाइम में जो फेमस यहाँ के जो प्रोड्यूस होते थे जैसे एक तो स्पाइसेस होते ही थे, बट साथ में से जो क्लॉथ होता था सिल्क, ब्रोकेड, सेटिन एंड मुस्लिन, वो सब भी बहुत जो ट्रेड में बहुत प्रोमिनेंट थे इंडियाज़ की तरफ से. ऑल्सो जैसे जो स्पेशली हाई क्वालिटी मुस्लिन होता था वो ऐसा था कि जो सिर्फ नोबल्स या फिर जो बहुत रिच लोग वो लोग यूज़ कर सकते थे. एंड ऑल्सो जो स्टेट था वो काफ़ी ज़्यादा मर्चेंट्स को ट्रेड को बहुत ज़्यादा इंकरेज करता था. जैसे जो मेन ट्रेड रूट्स होते थे वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट रूम्स इन्स ये सब बनाए गए थे जहाँ पे मर्चेंट्स अपने जो ट्रैवल्स के बीच में स्टे कर सके एंड उनके लिए कन्वीनियंट हो. ऑल्सो सबसे जो मेन चीज़ जो इब्न बतूता ने ये चीज़ नोटिस की थी कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो बहुत एफिशिएंट था. जैसे जो काफ़ी बार बहुत बार नॉट जस्ट कि काफ़ी बार ये होता था कि जो मे बी कुछ शॉर्ट डिस्टेंस में कोई पैकेज पहुँचाना हो या फिर ट्रेडर्स को कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना हो या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो बहुत ईजीली अवेलेबल होता था. और ये बात ये भी होता था कि जैसे बहुत बार जो उनको क्रेडिट अपना क्रेडिट को सेटल करना होता था तो उस चीज़ के लिए भी फाइनेंशियल चीज़ों के लिए भी वो सब चीज़ें बहुत यूज़फुल होती थी. जैसे जो बहुत सारे तो इसलिए इनका बहुत बार मतलब एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम से भी इनके ट्रेड को काफ़ी बेनिफिट मिला.